प्राचीन काल से ही सब में एक कलाकार छुपा हुआ होता है। वैसे ही हमारे सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर की कलाकारी को बाहर निकालने के लिए हम लेके आए हैं एक न्यू पेंटिंग सीरीज, जहां हमारे प्लेयर्स पेंटिंग करेंगे। इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। कॉन्सेप्ट से बाहर है, हिडन टैलेंट है मेरा ये। आर्टिस्ट को पैसे लगते हैं। एंड हमारे कुछ एक्सपर्ट्स रिव्यू एंड पॉइंट्स देंगे। 7 out of 10 पेंटिंग। 4 देता हूं। और जो भी विनर होगा उसको हम एक टाइटल भी देने वाले हैं, जिसका नाम है मोगो के मजनू भाई। तो हाय गाइस, आई एम डेस्ट्रो। सो हेलो गाइस, आई एम डेल्टा पिच फ्रॉम मोगो स्पोर्ट्स, और आज हम करने वाले हैं मोगो के मजनू भाई का पार्ट 1। तो होने क्या वाला है आज मेरे को भी नहीं पता, बस इतना मालूम है कि जो ये लोग बोलेंगे वो मुझे पेंट करना है। क्या बात है, ओजी इन स्पेस। क्या एक्सपर्ट फीलिंग आ रही है भाई, इसको निकालते कैसे। सॉरी मैन, आई एम नॉट अ गुड ओपनर। फाड़ना आता है चीज़ों को। मैन, आई एम नॉट अ गुड ओपनर। बताइए सर, पहले नाम वाम लिखते ना, डेट डेट वेट सब। स्कूल में नहीं गया तुम लोगों ने ये सब। नेम ठीक है, डेट, रोल नंबर क्या है मेरा, 1-1। जी सर। तो सबसे फर्स्ट, विदाउट डे के टी-शर्ट पे लेके ऑनेस्टली मोगो का लोगो। ऑनेस्टली 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 मोगो का लोगो लेकर विद ओरिजिनल कलर्स। अब कितनी सैलरी करोगे तुम इसके बाद। फर्स्ट लोगो है, एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं, मोगो। मोगो का एक्सप्लेन भी कर, क्या क्या कर रहे हो लो बना रहा हूँ का। तो गाइस, पहले हम बनाएंगे बोर्ड, फिर हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे MOGO। अच्छे से निकाल दो आप, एक्सप्लेन करके एकदम मस्त। तो पहले हम बनाएंगे बॉर्डर। सोच रहा हूँ कैसा होता है लोगो मोगो का। देखो नीला कलर होता है अंदर। हाँ थोड़ा याद आ रहा है। देखो येलो, रेड और ब्लू, ये कलर तो यूज्ड है इतना मुझे मालूम है। पहले तो उसको MOGO लिखते हैं, पहले उससे स्टार्ट करते हैं, है ना। अंदर रेड कलर करते हैं, या फिर रेड से लिखता हूँ येलो करते हैं अंदर, और फिर बीच बीच में ब्लू होता है पूरा। जल्दी कर, कैमरामैन ने बोला नो हेल्प। ऐसे मत करो भाई। उसके बाद देखेंगे हम MOGO। ये तो होगा इस बूट कैंप में मोगो का लोगो। हाँ भाई करते हैं, अब हम करके ही रहेंगे। ये M है मोगो का। ओपी शिट। उसके नीचे यहाँ आता है कुछ तो डॉट ऐसे करके। ऐसा तो कहीं से भी नहीं दिखता मोगो का लोगो जो अब बना रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आ रही है। आई थिंक गाइज, मतलब ब्लू कलर मैंने अभी किया नहीं है, कलर अच्छे से चल नहीं रहा। क्या ये सही है? मुझे ऐसा भी लग रहा है मैंने उल्टा कर दिया है कि येलो से वो होता है और कलर अंदर रेड होता है। कलर तो सही था, सही था। मेरा बाबू बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, देखा तो। आगे बताओ। बॉर्डर ही आते हैं और तो क्या ही है, ऐसे ऐसे करके कुछ तो आता है। ठीक है, अब इतना ही याद है, और याद नहीं है। आगे बताइए। वो तो कोई नहीं बना सकता। हेलमेट है वो, घोड़ जाएंगे अगर लोग। बहुत खतरनाक लोग है, उसमें तो बुड्ढा था वो। भाई नहीं बन पाएगा भाई, दादाजी की फोटो थी उसमें, जूस की फोटो थी, जूस की। केमिनी स्पोर्ट्स आता है अपने को? यस, नहीं आता। ग्लोबल का कलर तो चेंज कर ले, कलर भी तो चेंज करना है। शिट, उनका कौन सा कलर था अपना? उसके भी तो रेड आता है ना ग्लोबल में भी, कि नहीं आता? एक तो ब्लू है उनका। ठीक है, पहले ब्लू से बनाते हैं। ऐसा कुछ था, बस इतना ही। सही से याद नहीं आ रहा है, इतना ही याद है भाई। ऐसे करके कुछ तो डब्बा होता है, जितना मुझे याद है मैं उतना बना रहा हूँ। तो अब बीच में ना बोले कृपया करके।
ऐसा होता है, कुछ तो होता है। जी ई लिख देते हैं। हाँ ठीक है, और बताइए। कॉन्सेप्ट से बाहर है नहीं याद का, कुछ तो बना दे, तेरे हिसाब से तुझे कुछ तो याद होगा। नहीं है याद कुछ भी, मैं लोगों नहीं देखता, लोगों के क्या लोग होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कुछ ही नहीं होना चाहिए। ऐसी चाहिए, ऐसी जाने, ऐसी चलनी चाहिए। और जल्दी शील्ड है उनके लोगों में, मुझे ऐसे याद है एक। हाँ उनका भी ब्लू है। रुक जा, पहले खुद याद करने देना मुझे, फिर एक्सप्लेन करूँगा। पहले एक तो बड़ा सा आर है उसमें, ऐसे करके कुछ तो है, और टी फिर यहीं से कंटिन्यू होता है, ऐसा कुछ होता है। कलर मैं भर नहीं रहा हूँ क्योंकि कलर नहीं हमारे पास, स्केच पेन है। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। ऐसा कुछ है देखो। मतलब ऐसा ही कुछ है भाई, दिमाग में याद आ रहा है, ढंग से नहीं आ रहा है। लेकिन सोल का तो ईजी है, ऐसा भूत ने कुछ दो थैलियां पकड़ी है। केविन का पीले से था उसका, तो येलो सब कुछ, और बीच में पेड़ है कुछ। बंदर भी है, तो बंदर भी नहीं, नहीं पता मुझे बंदर बंदर का ही ऐसे इतना याद था मेरे को बस। चलो ठीक है, ऐसा कुछ था वो। ठीक है चलो, नेवर माइंड। ठीक, इसका तो कैसा ही है। सी याद है मुझे, कलर कौन सा होगा, कलर याद नहीं आ रहा मुझे अब। जी याद नहीं आ रहा भाई, सी याद है बस। टीक्स का तो आसान ही है, ऐसा ही कुछ है। बन गया टीक्स का लोगो, डन। जितना आता है बना दिया। अब आप मुझे शक्ल दिखाओ, किसकी शक्ल बनानी है। इंट्रो दो तो, क्या कर रहे हो, बताओ तो मुझसे क्या कर रहे हो। ये तो हार्ड है बे, शक्ल कैसे बनेगी। Let's give it a try. क्या बनेगा समझ ही नहीं आ रहा, चालू कहाँ से करूँ। पहले वो तो समझ आए, अपने को चालू करना चाहिए पहले गले से। पहले इसके बनाते जॉ लाइन दाढ़ी के साथ, इसमें हम बनाएंगे ऐसे। ओ शिट, ये क्या बन रहा है, देख रहा हूँ मैं। कौन फोकस क्यों नहीं करने दे रहा, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बीच बीच में, कॉन्सेंट्रेट करने तो ब्रो। बन गया शक्ल। बॉडी नहीं, सिर्फ शक्ल बनाता हूँ मैं, सिर्फ शक्ल बनाता हूँ, सिर्फ शक्ल बनाता हूँ मैं। वो अच्छा था बे, ये अच्छा है। मैं सिर्फ शक्ल बनाता हूँ। बन गई, दिस इज एडमिनो। कैमरे में दिखाने लायक ड्राइंग तो नहीं है वैसे, पर ठीक है। लग रहा है ना, ठीक है फिर यही चाहिए था। तो गाइस थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, जो हमारा एक मोगो का एडिटर है हम उसकी शक्ल बनाएंगे, उसको उसकी रियलिटी पता लगनी चाहिए। फोटो दो मुझे। नहीं है, नहीं है, नहीं बनाना प्लेयर का, अब जो है अब सिर्फ प्रतीक है और कुछ नहीं। नहीं बनाऊंगा, आर्टिस्ट को पैसे लगते हैं। ठीक है, तो मिलेगा ना, जीता तो आप नहीं मिलेगा, अवार्ड अवार्ड नहीं चाहिए, जो चाहिए पैसे चाहिए। ठीक है, आईब्रो आईब्रो देख रहा हूँ तेरी मैं अच्छे से, बहुत गौर करके। ये स्पाइडरमैन का लग रहा है, पर ठीक है कोई नहीं। बकरी जैसी गाड़ी क्यों बनाई है? ऐसी आर्टिस्ट हूँ, बीच में मत बोल। क्या नाक के बाल बना रहे हैं? नहीं, नाक का छेद बना रहा था। हम इसमें और क्या कर सकते हैं? ओह माय गॉड, गोब्लिन एंड स्काउट। हिडन टैलेंट है मेरा ये। भाई एक्यूरेट है, किसी को दिखाऊंगा ना स्पोर्ट्स एथलीट को पहचान भी लेगा। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मेरा पार्ट टाइम जॉब हो सकता है ये पेंटिंग। तो गाइस इट्स डन,
और ये है हमारा एडिटर प्रतीक मोगो का, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी है। कोई ना, 10 में से 10 मिलने चाहिए इस फोटो पे हमें, है ना? वो ताते भी इनसे लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, जैसा है बहुत अच्छा है। So what's up all good guys? So Mogo Da Vinci here. Mogo Picasso is here guys. Wow, क्या acting कर रहा है? Yeah. So the thing is, we are gonna judge some paintings done by friends. Very own esports athlete named as Destro, Delta, Robin, yeah. Justin. Yeah. And there's one more. And there is one more. वो बातें बताएंगे कभी। Yeah, you will get to know anyways. So let's do that. So let's start with it. Painting लाया जाए, production. Painting. Painting लाओ यार. Okay. Yeah, let's start with this one, Destro. So Mogo का logo. What do you think? It's almost done. तो shades नहीं की गई है वो देख, but efforts के लिए तो points दे सकते हैं। तो 8 marks मेरे तरफ से। मेरी तरफ से भी 8 है। Second वाला production team, do you guys know which logo is it? Guess जहाँ तक कर पा रहा हूँ और production की खबरों के हिसाब से I guess ये Kemin का logo है। मैं कोशिश की गई थी। कोशिश की है points दिए जाओ और इसके लिए मैं पर्सनली 2 पॉइंट देना चाहूंगा गाइस। मेरी तरफ से 2 को 1 डाल दे, 3 कर देते हैं, ठीक है? मैं इसके 2 देने वाला था, टोटल कर देते हैं 3, ठीक है? 3 कर देते, आगे चलते हैं। ओह, बिग नेम्स, आई सी बिग नेम्स। सो द नेक्स्ट सीजी। ओके, सीजी का सिमेट्री वाइज तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि पेंटर तो है नहीं। मैं मेरे साइड से 7 out of 10। 7? मेरे को लगता है 4 देता हूं। गॉड लाइक, गॉड लाइक। ये तो बारे में क्या है, क्योंकि जितना मुझे गॉडलाइक का लोगो पता है, अच्छा है गॉडलाइक का लोगो मेरा, देखो जहाँ तक पता है उसमें शायद जी और एल का यूज है, आई गेस 5। मैं 6 दे देता हूँ। ओह, लोगो देखो किसका है। Oh my God, देखो गाइस ऐसा एनर्जी आपने लाया यहाँ पे कि लाइट भी आ गई भाई, क्या है प्रोडक्शन को क्या पड़ी है, मतलब बीच वीडियो में लाइट डालनी यार मन नहीं कर रहा मुझे, मतलब रेंगो मतलब फीलिंग थोड़ा है कि यू नो लास्ट मैच का मुझे याद आता है, बट चलो एनीवेज नहीं जाते उधर। एक्चुअली उनका जो लोगो है वो ये तो है ही नहीं, एफर्ट्स एंड कलर स्कीम को फॉलो किया गया है, तो स्पेलिंग भी ठीक है। मैं 6 रखूंगा, मैं 4 दे रहा हूं। नेक्स्ट पेंटिंग, अब पेंटिंग्स है। इसमें एक और एलिमेंट था कि दे हैव टू मेक प्लेयर्स के पोर्ट्रेट्स, यस आई गेस, ठीक है? तो पहला मिला था डेस्ट्रो को गॉब्लिन का, मैंने उसको एक्चुअली पर्सनली देखा है। मेरे हिसाब से इस पेंटिंग को मैं दूंगा 9। मेरी तरफ से तो ले लो 7 स्काउट। तो अभी स्काउट का बहुत ज्यादा सिमिलर बनाया है डेस्ट्रो से। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, ये नाक जो डिजाइन किया गया उसकी तरफ से, ये कैसे उसने डिजाइन किया? ये थोड़ा मेरी तरफ से इस पे 8 है, मेरी तरफ से 9 रहेगा इस पे। अगला पेंटिंग लाया जाए गाइस, थैंक यू सो मच। तो गाइस ये अभी हमारे पास पेंट बुक आ गया है डेल्टा पीजी का। ओ माय गॉड, डिसअपॉइंटमेंट गाइस, डिसअपॉइंटमेंट, बराबर डिसअपॉइंटमेंट। क्या है ये? मोगो का लोगो डेल्टा, अगर तू ये वीडियो जब भी देख रहा होगा तो मैच खेलने से पहले रोज एक बार मोगो का लोगो देखने का, लोगों को ध्यान से देखने का, रोज एक बार ड्रॉ भी करने का। तो अभी मैं इस लोगो को डायरेक्टली 1 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उसने बस बनाया है इसके लिए, ठीक है? मेरे तरफ से आप बताओ। आधा मार्क्स, 0.5। अभी हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट लोगो पे। नेक्स्ट लोगो है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। मैं खाली कलर स्कीम पे दे रहा हूँ पॉइंट्स, बस कलर स्कीम पे मैं जाऊंगा 7 के साथ, 4.5। यू नो व्हाट आई मीन, आरएनटी, आरएनटी का लोगो गाइस देख लो। आरएनटी का मेरे को जहां तक पता है कि उनका रेनबो जैसा शेप में हो, लेकिन भाई ने सीधा ही कर दिया, ठीक है? तो मैं सबसे यहाँ कुछ डेल्टा कहना चाहता था, डेल्टा मार्क्स नहीं देना चाहूंगा, तो कितना मार्क्स दोगे आप? 3.5 You know what I mean? What I mean? तो मैं जो mean कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं दूंगा 5.5 marks इसको। TX के लोगों पे I guess इसको होना चाहिए मेरी तरफ से 1.5। मैं दूंगा 8। 8? Yes. My opinion. मेरे हिसाब से ये L Craft का लोगो है शायद। L Craft का नहीं है, Kemin का है क्या? हाँ। Kemin का है ये? Kemin का लोगो। ये बहुत हद तक भाई ने इमोशंस अपने इधर बनाए हैं, मेरे हिसाब से तो 9 है। मेरे तरफ 8.5। एडमिनो भाई ने बनाया तो बराबर है, मतलब जॉ लाइन बनाया है ना दोस्तों, जॉ लाइन ये थोड़ा सा अलग है। अगर हम देना चाहे तो हाँ, 7 out of 10 यार मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इसको दूंगा 8.5 यार। ये प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस, या श्योर, ऑल योर्स प्लीज गाइस, यू डोंट नो हिम, कोई इसके सामने कुछ नहीं। जब ये चलता है तो तूफान आ जाता है, तूफान आ जाता है।
मैं हूँ मास। एनीवेज आगे चलते हैं। ये हमारे सबसे स्पेशल इंसान है बूट कैंप में भी और मोगो में भी। yep. ये रहे प्रतीक। प्रतीक ओजला। प्रतीक ओजला। He is known for his Marathi rap and he is known for his मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसने इसमें काम ना किया। इंडस्ट्री गाइस। हर एक इंडस्ट्री में इसने एडिटिंग, वीडियोग्राफी सब कुछ किया है। पीओवी शॉट्स सब कुछ लेके। सबसे पता कैसे हम इसको जज करें? मैं पता क्या मार्क्स दूंगा इसको? नहीं नहीं मार्क्स मत दो। पता क्या करो? मैं सबसे प्रतीक को सामने ला के देखा जाए, मेरे हिसाब से लाया जाए। प्रतीक वेरी प्रतीक। माइनस देना चाहते हो यार? मेरे को तो बराबर लग रहा है यार, तू बता देखो क्या लगता है? नहीं नहीं एफर्ट तो डाले भाई। गाइस मेरे तरफ से जो है ना, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरे तरफ से इस पेंटिंग के लिए 10 out of 10 है। सेम ईयर 10 out of 10। 10 out of 10। 10 10 10। चलो डन। डन ठीक है, बिकॉज इसको नो इसकी सैलरी कट जाएगी। नहीं गाइस नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। मेहनती है, बहुत काम करता है। अभी इतना बताऊंगा कि ये अभी दो लोगों का कंप्लीट हो चुका है, बाकी लोगों का जो मैंने नाम बताया और एक स्पेशल गेस्ट और होगा जो इस शूट में, उसका नाम अभी नहीं बताएंगे। प्लेयर्स को हम लोग एक अवार्ड देंगे जो कि सारे पॉइंट सिस्टम कंप्लीट हो जाने के बाद जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उनको कुछ एक अवार्ड दिया जाएगा हमारी तरफ से। अवार्ड सेरेमनी भी है। और इसका एक अवार्ड सेरेमनी भी करने वाले हम लोग। हाथ में देंगे अवार्ड। हाथ में। सो गाइस मेरे हिसाब से तो मुझे मिलना ही चाहिए बेस्ट पेंटर का अवार्ड, बिकॉज मैंने तो चार क्या ही बोलूं। तो अब हम मिलेंगे गाइज एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो कि रहेगा पार्ट टू, उसमें हम देखते हैं। अरे मच्छर दिमाग आ गया। तो गाइज लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंस्टाग्राम भी है उसको भी फॉलो कर लेना गाइज याद से। आर्टिस्ट हूँ बीच में मत बोल। हे भाई हा? कौन थे ये जज? 50 में तो यही मिले।